हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने संस्कृत में एक नया पाठ शुरू किया था, सर्वनाम परिचय। आज हम इसी पाठ को कंटिन्यू करेंगे और सर्वनाम शब्दों के प्रयोगों के बारे में जानेंगे। जिस तरह से हिंदी में सर्वनाम होते हैं, उसी तरह से संस्कृत में भी सर्वनाम शब्द होते हैं, तत्, एतत्, इदम्, किम। तो उनका तीनों लिंगों में और तीनों वचनों में किस प्रकार से प्रयोग होता है वो हम जानेंगे। सर्वनाम एतत् और इदम्। एतत् और इदम् का मतलब होता है यह। तो इन दोनों का प्रयोग हम एक दूसरे के स्थान पर कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पुल्लिंग शब्दों में किस तरह से इनके रूप बनते हैं। एषः गजः, एतो सिंहो, एते अश्वः। एषः और अयम् दोनों का मतलब होता है यह। एषः गजः, यह हाथी है। अयम् गजः, यह हाथी है। जब एक वचन होगा तो आपको लिखना है एषः या अयम्। अगर द्विवचन होगा तो लिखना है एतो या इमो। एतो और इमो, हम इन दोनों का प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर कर सकते हैं। एतो सिंहो, ये दो सिंह, ये दो शेर। एते अश्वाह, ये सब घोड़े। अश्वाह मतलब घोड़े। तो एषः, एतो, एते, आपको किस तरह से लर्न करना है? एकवचन, द्विवचन और बहुवचन में एषः, एतो, एते, अयम्, इमो, इमे। जब एक वचन होगा तो आपको लिखना है एषः, द्विवचन होगा तो एतो और बहुवचन होगा तो एते। तो ये हैं पुल्लिंग शब्दों के रूप। सर्वनाम शब्द एतत् और इदम्। आप देखेंगे स्त्रीलिंग शब्दों में इनके रूप। एषा लता, एते चटके, एताः बालिकाः। जब बिना विसर्ग वाला यानी कि एक वचन रूप होगा स्त्रीलिंग का तो आपको लिखना है एषा, द्विवचन में एते, बहुवचन में एताः। क्योंकि बहुवचन का रूप क्या होता है स्त्रीलिंग में? आह वाला वर्ण, तो एताः बालिकाः। इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं इयम् लता, इमे चटके, इमाः बालिकाः। यह बेल, लता मतलब क्रीपर, बेल। एते चटके, ये दो चिड़िया। एताः बालिका, ये सब बालिकाएं। तो एषा, एते, एताः या इयम्, इमे, इमाः। अब सर्वनाम शब्दों के रूप देखेंगे नपुंसकलिंग में। एतत् पुष्पम्, एते पत्रे, एतानि फलानि या इदम् पुष्पम्, इमे पत्रे, इमानि फलानि। एतत् पुष्पम् मतलब यह फूल, एते पत्रे, ये दो पत्र, एतानि फलानि, ये सब फल। एतत् के स्थान पर हम इदम्, एते के स्थान पर इमे और एतानी के स्थान पर इमानी भी लिख सकते हैं। तो एतत्, एते, एतानी, एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। तो नपुंसकलिंग में जिस तरह से हमने पढ़ा था रूप किस तरह से होते हैं, जैसे फलम, फले, फलानी, पत्रम, पत्रे, पत्राणी, तो उसी तरह से जो सर्वनाम शब्दों के रूप हैं वो भी उसी तरह से बन रहे हैं। एतत्, एते, एतानी, इदम्, इमे, इमानी। सर्वनाम युष्मत् यानी मध्यम पुरुष। अभी तक जो हमने पहले पढ़ा वो प्रथम पुरुष थे। प्रथम पुरुष में तीनों लिंगों में अलग अलग रूप बनते हैं, लेकिन मध्यम पुरुष यानी कि युष्मत् के जो रूप होते हैं तीनों लिंगों में एक समान होते हैं। इसका एकवचन, द्विवचन और बहुवचन क्या है? त्वम, युवाम, यूयम।
त्वम मतलब तुम, युवाम मतलब तुम दोनों, और यूयम मतलब तुम सब। तो सर्वनाम का जो युष्मद रूप है, युष्मद मतलब तुम, वह मध्यम पुरुष कहलाता है। और मध्यम पुरुष के तीनों वचन कैसे होते हैं? त्वम, युवाम, यूयम। सर्वनाम अस्मद उत्तम पुरुष, अस्मद मतलब मैं, उत्तम पुरुष जो कि बोलने वाला होता है, इसका भी तीनों लिंगों में एक समान प्रयोग होता है, लेकिन एकवचन, द्विवचन और बहुवचन अलग हैं। अहम, आवाम, वयम। अहम मतलब मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब। अहम, आवाम, वयम, मैं, हम दोनों, हम सब। अब है किम के रूप। किम मतलब क्या, यह एक प्रश्नवाचक होता है। जब हम किसी से प्रश्न पूछते हैं तो उसका भी तीनों लिंगों और तीनों वचनों में रूप बदल जाता है। पुल्लिंग में इसके रूप है कह, कऊ, के। स्त्रीलिंग में इसके रूप है का, के, काह। नपुंसकलिंग में इसके रूप है किम, के, कानी। एक बार फिर से, पुल्लिंग में आपको ऐसे याद रखना है कह, कऊ, के। स्त्रीलिंग में का, के, काह। नपुंसकलिंग में किम, के, कानी। तो हम जब प्रश्न बनाएंगे तो इसी तरह से इनके रूप याद रखने हैं। अभ्यास कार्य, कह का प्रयोग किस तरह से होगा उसके लिए कुछ अभ्यास है। पहला प्रश्न दिया है कह खादती। कह मतलब कौन, खाता है, खादती मतलब खाता है। तो यहाँ हमें दो ऑप्शन दिए हैं, यूयम और सह। यूयम तो होता है तुम सब, तो वो तो हो गया बहुवचन, तो हमें लिखना है सह, सह खादती। सह मतलब वह, कह खादती, सह खादती। अब है का पचती। का जो शब्द है वो स्त्रीलिंग एकवचन है, तो का पचती मतलब कौन पका रहा है, माता या नरह। नरह तो पुल्लिंग शब्द है, माता, तो आंसर होगा माता पचती, यानी कि माता खाना बनाती है। कौवदतः, कौवदतः मतलब कौन बोलते हैं, तो कौ जो है वो द्विवचन है, तो आपको भी द्विवचन शब्द लिखना है। अब यहाँ ऑप्शन दिया है पादपों या शिक्षकों, तो पादपों प्लांट्स तो नहीं बोलेंगे, शिक्षको वदतः कौन बोलेंगे, शिक्षको वदतः, तो द्विवचन वर्ड लिखना है। अगला है के पततः, कौन गिरते हैं, अब यहाँ पे द्विवचन आ रहा है, तो हमें भी द्विवचन वाला शब्द लिखना है। अब फलानी या पत्रे, फलानी शब्द है बहुवचन, लेकिन हमारे पास प्रश्न में है द्विवचन, तो हमें द्विवचन वाला उत्तर लिखना है। पत्रे, पत्रे पततः, दो पत्ते गिरते हैं। तानि कानि संति, वे सब क्या हैं, कानि मतलब बहुवचन आ गया, तो हमें भी यहाँ पर बहुवचन वाला शब्द लिखना है। अब है ऑप्शन में चित्रम या चित्राणि। चित्रम एक वचन है और चित्राणि बहुवचन है। जब हमसे प्रश्न बहुवचन में किया गया है तो हमें उत्तर भी बहुवचन में ही देना है। तानी चित्राणी संति, वे सब चित्र हैं। चित्राणी मतलब बहुत सारे पिक्चर्स हैं। तानी कानी संति, तानी चित्राणी संति। तो बच्चों, अब आपको अपनी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। बाय एवरीवन।